बांसवाड़ा से एर्नाकुलम जा रहे 12 बच्चों, 11 लड़कियां और एक लड़का को केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा है। एक साथ कम उम्र के बच्चे बच्चियों को देख पुलिस को मानव तस्करी की आशंका हुई। मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने सभी बच्चियों को वहां CWC के अधीन संचालित बालिका केंद्र को सौंप दिया। पूछताछ में पता चला कि परिवार के लोग बच्चियों को एर्नाकुलम स्थित एक स्कूल में दाखिला दिलाने जा रहे थे। बालिका केंद्र में रखी गई बच्चियों को पुलिस ने मेडिकल करवाया है। पुलिस ने उस स्कूल के संस्था प्रधान के साथ बांसवाड़ा से गए 2 युवाओं को भी हिरासत में लिया है। पुलिस और CWC के अनुसार बच्चियों को आश्रय देने वाली संस्था करुणा भवन JJ एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। कोझिकोड पुलिस मामले को लेकर सज्जनगढ़ थाना पुलिस के संपर्क में है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच गरीब बच्चों के धर्मांतरण को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि केरल पुलिस ने सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के श्यामलाल पारगी और लोकेश नाम के लड़के को पकड़ा है। श्यामलाल पारगी सज्जनगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी बदामी लाल पारगी का लड़का है। श्यामलाल और उसका परिवार क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है। श्यामलाल खुद भी 8वीं तक एर्नाकुलम स्कूल में पढ़ा है। इसके बाद उसने स्कूल से BSc की है। वहीं दूसरे लड़के का नाम लोकेश होने की जानकारी मिली है, जिसका भाई लक्ष्मण है, जो सरपंच के चुनाव में हारा हुआ कैंडिडेट है। लोकेश को शिक्षा के क्षेत्र में PhD किया हुआ बताते हैं लोग। दोनों युवा जहां से बिलोंग करते हैं उस इलाके में आदिवासी परिवारों के क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के ढेरों मामले हैं। हालांकि पुलिस एर्नाकुलम में संचालित स्कूल को सरकारी बता रही है, जबकि बच्चियों को रखने वाली संस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड संस्था में बच्चियों को पहुंचाने के सामने आए मामले के बाद पुलिस अब तक वहां गए बच्चों की तलाश में जुटी है। पहले गए हुए बच्चों के साथ क्या हुआ, वहां पढ़कर आए ऐसे कितने बच्चे हैं जो आने के बाद धर्मांतरण का शिकार हुए हैं, गरीब आदिवासी परिवारों के ऐसे कितने मामले में हैं जिन्हें निःशुल्क शिक्षा के नाम से छोटे कक्षाओं में धर्मांतरण की भाषा सिखाई जाती है, वहां पहले से रहने वाले बच्चों को किस तरह का माहौल दिया जाता है और उन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है, ऐसे कई सवालों का जवाब पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के CI मनीष चारण बताते हैं कि संपर्क के दौरान केरल पुलिस ने बताया कि बच्चियों को CWC को सौंपा गया है। दर्ज FIR में क्या शामिल किया गया है इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। SP राजेश कुमार मीणा भी बताते हैं कि केरल की रेलवे पुलिस थाने और CWC से संपर्क में है। कुल 12 में 4 बच्चों के पेरेंट्स साथ थे, जबकि 8 बच्चों के माता पिता साथ नहीं थे, इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर वहां पकड़ा है। CWC या पेरेंट्स की ओर से शिकायत मिलेगी तो यहां की पुलिस मामले की जाँच करेगी। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।